सफर नहीं ये है इंतहा, लिखी जा रही है ये दास्तां। आया हूँ तेरा बन के सवाली, जाऊँ ना तेरे दर से मखाली, हम सब के अब अगर कोई मुझसे उल्टी सीधी टेढ़ी मेढ़ी बात करे ना तो फिर मैं नहीं ये जवाब देता। वो सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। क्या है? वो मैं आपसे ये कहना चाह रही थी, नौशरवान को अपने साथ लेकर मत जाया करें। क्यों? क्यों ना लेकर जाया करूं? अभी वो बहुत छोटा बच्चा है, उस पे बुरा असर पड़ सकता है। क्या मतलब? बेटा अगर बाप के साथ रहेगा तो उस पर बुरा असर पड़ेगा? कहना क्या चाहती हो तुम? मेरा वो मतलब नहीं था, मैं आपकी बात नहीं कर रही। वो मैं आपके वो दोस्त वगैरह। देखो मेरा कोई दोस्त नीच कमीन नहीं है, समझ क्या रखा तुमने? और अगर बेटा बाप के साथ बाहर नहीं जाएगा तो क्या घर में माँ के साथ सब्जी कटवाएगा? अकल मारी गई है क्या तुम्हारी? आपकी महफिलें तो रात देर तक चलती हैं। देखो ज्यादा मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो। जिसकी हूँ उसकी तो रहने दे, मेरा हक नहीं है अपने बच्चे की तरबियत पर, या मैं इस लायक भी नहीं हूँ। अच्छा बस जाकर खाने वगैरह का इंतजाम देखो, कल नादिर भाई अपनी बीवी बच्चों के साथ आ रहे हैं। जाओ। बेकार की बात है। हेलो, हाँ बात कर रहा हूँ। क्या अच्छा ठीक है, आता हूँ अभी। अनबिलीवेबल, इतने से बच्चे के हाथ में पिस्टल, ये तो शुगर है। हमारे इंचार्ज ने आज देख लिया, वरना खुदा जाने क्या से क्या हो जाता।
थोड़ा जज्बाती है, मैं समझाऊंगा इसे, आइंदा ऐसा नहीं होगा। आप इस बात को इतना लाइट कैसे ले सकते हैं? आपको एहसास भी है, अल्लाह ना करे कोई मिसाफ हो जाता, हम यहाँ बैठे मातम कर रहे होते इस वक्त। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। और अभी तो इसे चलानी भी नहीं आती, और मैंने कहा ना कि मैं इसे समझाऊंगा, और फिलहाल अगर आप चाहें तो इसे कोई जुर्माना वगैरह कर दें। मुझे इस बच्चे पे कोई जुर्माना नहीं करना, अगर उस बच्चे के वालिद ने पुलिस में जाके कंप्लेन की तो मैं उन्हें रोकूंगा नहीं, ये उनका राइट है। बड़े शौक से जाए थाने, कंप्लेन करे, और अगर थानेदार उसे वहां ना मिले तो मेरे डेरे का चक्कर मार ले, अक्सर वहीं पड़ा होता है। नायाब पीस है, मेरा एक दोस्त लाया था रशिया से। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, चलो बेटा आ जाओ, खुदा हाफिज। ने गाली दी थी। अच्छा, तो जो भी तुम्हें गाली देगा तुम उसे पिस्तौल तान लोगे। जब कोई आड़ी टेढ़ी बात करेगा मैं नहीं, मेरा 32 बोर्ड जवाब देगा। हैं हैं हैं? बड़ा उस्ताद हो गया भाई तू, हैं? बाप की कॉपी कर रहा है। अच्छा बात सुनो, घर जाके ना ये सारी बात अपनी माँ से या दादी से बिल्कुल मत करना, ठीक है? कदम आगे जा रहे हो बाप से, हाँ चलो। अम्मा जी, हम आपको लेने आए, कितने दिन हो गए हैं, आपने गांव का चक्कर भी नहीं लगाया, आप चले हमारे साथ ही रहिएगा। अब नादिर भाई, इलाज चल रहा है अम्मा जी का यहाँ, तो चेकअप के लिए ले आया करूँगा शहर। अरे नहीं बेटा, मुझसे ये बार बार सफर नहीं होता, हाँ जरा इलाज हो जाए फिर मैं तुम्हारे पास आके रहूंगी। लो भाई अम्मा जी, ये क्या बात हुई, आप हमें अपनी खिदमत का मौका नहीं देंगी क्या? अरे क्यों नहीं दूंगी, तुम यहाँ रहो और करो हमारी खिदमत। क्या तुम लोग खाना पूरी करने आए हो? अम्मा जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, इतने अरसे बाद तो आए आप लोग, कम से कम एक हफ्ता तो रुके हैं। हम तो 2 हफ्ते की पैकिंग करके आए हैं। चलिए तो और अच्छी बात है, इसी बहाने बच्चे शहर भी घूम लेंगे। बच्चे नजर नहीं आ रहे, बच्चे कहाँ हैं? हार रहे हैं ये। अरे बेटा, वो तुम्हें स्कूल में बुलाया था, सब खैरियत तो है? अब ऐसे ही अम्मा जी, डोनेशन चाहिए था उन लोगों को, आए रोज पैसे मांगते रहते हैं ये तो। इधर दो ये। अपने बराबर वालों से लड़ा कर क्या समझा? तुम दोनों का तो दी एंड। चलाने की हिम्मत है तुम में? हिम्मत तो बहुत है, चला के दिखाओ ना। छोड़ो इसको, अब चला बुजदिल, चला के दिखाओ, छोड़ दो इसको, देखो मैं नहीं छोडूंगा। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मैं नहीं छोडूंगा, मुझे नहीं फर्क पड़ता साहब जी, नहीं छोडूंगा। मैं बोल रहा हूं छोड़ो इसको, नहीं छोडूंगा, मैं मार दूंगा, छोड़ो इसको। मैं साहब जी जल्दी चलें। क्या हो गया भाई? वो छोटे साहब, साहब जी फिरोज़ शाह क्या हुआ बेटा? जनाजे का वक्त हो गया। जनाजा
तेरी तरबियत का जनाजा, तेरी तरबियत का जनाजा बेटा। लिखी जा रही है ये दास्तां, ये सफर नहीं ये है इंतहा। लिखी जा रही है ये दास्तां, और झुकाऊं अब उस दर पे मैं जिस दर का ना है कोई बयां। Fly across the world with Sahulat, where all your spending gives gold savings. Book tickets, visa or accommodation through Sahulat Travels and get Save Gold 80% on spending. Don't wait. Book now and start saving gold rewards. ARYSahulatbazaar.pk 021-111-00162 Powered by ARY Sahulat Wallet.